जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में पानीपत का रहने वाला आशीष ढोंचक भी शहीद हो गया और आशीष ढोंचक के पार्थिव शरीर को आज पानीपत लाया जाएगा और उनके पैतृक गांव में उसका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। फिलहाल हम मौजूद हैं पानीपत के सेक्टर 7 में, जहाँ पर आशीष ढोंचक का परिवार जो है वो यहाँ पर किराए के मकान पर रहता था और जानकारी ये मिल पा रही है कि कुछ दिन पहले भी आशीष मकान पर आया था, तो अगले महीने ही उसका जन्मदिन था। तो उसने कहा था कि जन्मदिन पर नया मकान जो सेक्टर से 1 किलोमीटर दूर बनाया गया है, उस मकान में प्रवेश भी करेंगे और जन्मदिन का भी जो है जश्न मनाया जाएगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि जो है जश्न मनाने से ही पहले परिवार में जो है वो गमगीन माहौल हो जाएगा। और हम फिलहाल उस घर के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर जो है शोक की लहर दौड़ गई है और तमाम जो लोग हैं परिजन वो यहां पर आ रहे हैं। आशीष के घर पर भी हम मौजूद हैं और यहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे परिवार के पास लोग आ रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। फादर भी जो है उनके बैठे हैं, गमगीन माहौल है, सभी की आंखें जो है वो नम है। आशीष के परिजन हमारे साथ मौजूद है, ये उनसे बातचीत कर लेते हैं, कब इनकी आशीष से बात हुई थी और क्या बातचीत इनके बीच में हुई थी। जी सर, मेरी जो पर्सनल बात आशीष हुई थी करीब 1 महीना पहले हुई थी। उनको गैलेंट्री अवार्ड मिला सेना मेडल, तो खुश था, कह रहा था कि अभी देश के दुश्मन कम कर दिए हैं, बहुत खुश था, खुशी थी, अवार्ड मिला था, अवार्ड मिला था, इसलिए से खुशी थी। अभी बता रहे कुछ दिन बाद उनकी यहाँ घर आने की भी तैयारी थी। परसों ही मेरी वाइफ की बात हुई थी कि भाई पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, 5-6 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट थे, कि घर आ जाओ छुट्टी लेके, यहाँ कौन संभालने वाला, अगला तो इतनी दूर है। तो उसने बोला कि नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, हमारे यहाँ ऑपरेशन चलते रहते हैं, मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगा छुट्टी लेके। उसका जन्मदिन भी था और उसने मकान भी शिफ्ट करना था कि तभी आऊँगा मैं छुट्टी लेके, तब एक जन्मदिन की पार्टी भी करनी, जश्न मनाना था और नए मकान का भी शिफ्ट होने का जश्न मनाया जाता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि उससे पहले ही ऐसे गम के माहौल में। जो परसों बात हुई थी दोपहर को मेरी वाइफ की, उनसे तो उसने ये बोला था कि आऊँगा, तो एकदम जल्दबाजी में क्या के फ़ोन काटा था कि भाई एक ऑपरेशन पे जा रहा हूँ, 2-4 घंटे में आके दोबारा फ़ोन करता हूँ। आपको भी महसूस हो रहा था कि उस टाइम वहाँ पर फायरिंग वगैरह हो रही है सब कुछ? नहीं, ऐसा पता नहीं था, जब फ़ोन आया उसके बाद ही पता लगा। तब तो ये था कि भाई चलो सर्च ऑपरेशन वैसे होगा, कोई रूटीन की कार्यवाही होगी। अब जैसे शहादत हुई मुठभेड़ में, उनकी जान चली गई, शहीद हो गई, आपको कब पता चला और कैसे पता चला? कल दोपहर से उनके यूनिट के किसी साथी का फ़ोन आया था कि भाई यहाँ मुठभेड़ हो गई है और वो इंजर्ड हैं काफ़ी। तो मैं तो ये था इंजर्ड है, शायद ठीक हो जाएंगे, तो लेकिन रात को न्यूज़ से ही पता लगा कि शहीद हो चुके। घर भी आते थे, किस प्रकार रहते थे, कैसी बातचीत जो है आप लोगों से होती थी, आपके पास भी आते थे यार, गांव में भी जाते? हाँ जी, बहुत असमुख था, आता था, सबसे मिलता था, गांव में ज़रूर जाता था, गांव में पुराने दोस्तों से, बड़े बुजुर्गों सबसे मिल के आता था, हमारे साथ भी होता था, अपनी बहनों को बुला लेता था, इकट्ठा करता था उनको, उनके साथ बाहर खाना खाने जाता था। आप घर पे खाता था बनवा के कि मैं तो घर का खाऊंगा, आप लोगों को बाहर डिनर करवाता हूँ। जैसे आपकी बात हुई है, आप भी उनके रिश्तेदार हैं, तो उनका क्या सपना था, क्या शुरू से ही जो है उनका सेना में जाने का एम था या कुछ और पहले करते थे वो? नहीं, टारगेट तो उनका सपना तो डिफेंस में जाने का था, उनके चाचा एयरफोर्स में थे तो उनको देख के इंस्पायर थे वो, उनका कजन ब्रदर भी मेजर है, उनका सपना यही था कि मैं डिफेंस में जाना। किस समय जो ये भर्ती हुए थे और कितनी इन पढ़ाई लिखाई थी? 2012-13 में शायद भर्ती हुए, 2012 में मास्टर डिग्री मैंने रखी है। शादी कब हुई थी, इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? 2016 में शादी हुई थी, परिवार में 3 बहनें हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, वाइफ और 3 साल के बच्चे। गुड़िया है 3 साल। हाँ जी, हमारे शाम के 9 बजे पता चला, हमने बहुत बड़ा दुख व्यक्त किया, लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही सामाजिक लड़का था, देश के प्रति कुर्बान होया, गाम गांव इसकी इंतजार कर रहा है इसकी डेड बॉडी की। और भैया वह हम सरकार से भी मांग करेंगे इसके नाम कुछ होना चाहिए, यूमर होना चाहिए। बचपन में कैसे थे? बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया सूझे लड़के थे, कोई ऐप नहीं था, कोई भी खेलकूद में अच्छे, हाँ खेलकूद में बहुत बढ़िया थे। गांव में भी आते थे छुट्टी पर, जैसे आते थे आप लोगों से मिलते थे, कैसा व्यवहार था? हैं, गांव में आते थे छुट्टी पर आप लोगों से मिलते? सबसे मिलते थे, बहुत बढ़िया व्यवहार था, हंसी मजाक करते थे, प्यार था सब लोगों से। गांव में एक अलग ही लड़का था, अलग ही लड़का था, बहुत बढ़िया विचारों का था लड़का था, जो हमारे गाँव में बहुत बढ़िया विचारों। उन्होंने शहादत दी है देश के लिए, क्या कहेंगे?
शहादत दी हमने गौरव वेश पे, और हम मांग करें गवर्नमेंट से इसके नाम कुछ होना चाहिए, बिना देश के लिए कुर्बानी दी है। निडर लड़का था। आपका क्या नाम? रामचंद्र। जानकारी और अभी क्या, कब तक उनका पार्थिव शरीर आएगा, क्या जान कैसे मिली थी? बस टेलीफोन से मिली थी भाई। हाँ जी, क्या कुछ कर रहे हैं? पहले तो यही था कि भाई ऐसे ऐसे कोई ऑपरेशन है उसमें, बस बाकी फिर न्यूज़ के थ्रू, बाकी मेरे बेटा आर्मी में, उसने बताया फ़ोन करके। हाँ जी। परिवार में कौन कौन है सर, इसके बच्चे वगैरह, भाई बहन? अकेला लड़का है, मेरे भाई का है, तीन बहनें हैं इसकी, एक इसकी लड़की है 2.5 साल की। ये घर पे कब आए थे सर इससे पहले? अभी आए थे थोड़े दिन पहले, 1.5 महीने पहले आए थे। तो और अभी आने थे, अक्टूबर में छुट्टी आनी थी, मकान शिफ्ट करना था। तो है, लेकिन लोगों को गर्व भी आप लोगों को इस चीज़ पर बैठे हुए। हाँ, वो तो है। क्या नाम है सर आपका? दिलावर सिंह। चाचा लगते हैं। ठीक है, देखिए तस्वीरें में आप देख रहे हैं, इसके पिता भी हैं, पिता काफ़ी कम में हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एक ही राह है, एक ही इंतज़ार है कि कब उनके बेटे का पार्थिव शरीर यहाँ पर जो है लाया जाएगा। और बार बार जो है घर के बाहर से निकलकर यही देख रहे हैं किस समय जो है इनका बेटा इनके पास आएगा, क्योंकि काफ़ी समय से ये भी बीमार चले थे। बीमार के होने के बाद उनको घर बुलाने की तैयारी थी, लेकिन उन्होंने मना किया कि यहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं, फिलहाल वो घर नहीं आ सकते, लेकिन 1 माह बाद वो घर आएंगे। और सुबह उनका जन्मदिन भी था, और मकान में भी उनको शिफ्ट करना था। घर में जश्न मनाने की तैयारी हो रही थी, प्लानिंग की जा रही थी कि इस प्रकार का जो है जश्न मनाया जाएगा, लेकिन किसी को क्या पता था कि उससे पहले ही उसकी शहादत हो जाएगी। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज 18।